पुराने जमाने में आ गए। क्वेश्चन क्या है देखो, एफ एन बराबर वन प्लस हाफ वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई एन टू एम टू एन बिलोंग्स टू एन वन बिलोंग्स टू एन। क्या था मैंने एफ वन की वैल्यू क्या है वन कल बताया था ने, एस टू की वैल्यू दो का सम, एफ थ्री की वैल्यू कितनी है तीन का सम, एफ फोर की वैल्यू कितनी है चार टर्म, एफ एन माइनस वन की एन माइनस वन। इनमें से क्या करता फिर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ टू एफ माइनस वन, तो एफ वन की वैल्यू क्या है एन माइनस वन, यानी वन जो है एन माइनस वन टर्म तक वन टू एच टू एन माइनस टू अपॉन टू। इस तरह ही कर ले इसको, अलग अलग कर लेंगे इस तरह, तो क्या आ जाएगा ये एन कॉमन लेके ये आ जाएगा ठीक नहीं है, और फिर वन टू वन टू एन माइनस वन क्या आ जाएगा वो एन आ जाएगा ठीक है। चलो कर लिया भाई, ये था कल का क्वेश्चन ठीक है भाई। वो याद कौन सा है सीक्वेंस सीरीज का सिक्स है, क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज कौन सा है सिक्स है, क्या है देखो क्वेश्चन देखो, वन मल्टीप्लाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वन मल्टीप्लाई टू माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ठीक प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस अब टू इस तरह की है is n cube root of unity unity ठीक है भाई, where omega is n cube root of unity। देखो t n कितना आ गया भाई, ये t n कितना आ गया 2 माइनस नहीं n माइनस 1 एन माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा का स्क्वायर। टी एन कितना आ गया, यह आ गया। अच्छा अगर मान लिया कोई, कल मैंने बता था कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट ए एन बी है, कितने रूट हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, कहते नहीं इफ एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए इफ एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी है, तो ये लिख सके ना कि इसे रूट हो या इसके फैक्टर, यही नहीं बात है। अच्छा तो इसके एन के कौन कौन से फैक्टर आ गए बताया था मैंने, ये कम्प्लेक्स नंबर वन
ओमेगा स्क्वायर लिखूंगे, हैंस वन ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हैंस क्या आ गया, हैंस वन ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब आर द और द क्यू रूट ऑफ आर द क्यू रूट ऑफ, यहां तो बात नहीं आगी, ये क्यू रूट है यूनिटी के, आई बात नहीं, इसको क्या करना है मुझे, अच्छा ये क्यू रूट किसके थे, एक्स क्यू माइनस वन के भी थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था एक्स क्यू माइनस वन, इसमें क्या जाएगा ये एन क्यू माइनस वन, एन कहां से शुरू है, एन इज इक्वल टू 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 एन माइनस वन, एन कहां से शुरू है, टू से नहीं शुरू है, एन वन से वन तक ही नहीं है, ठीक, अब तुम्हें कहोगे एन तो वन तक क्यों होना चाहिए, एन तो अगर एन वन तक की आ जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वन क्यू माइनस वन जीरो, तो यहाँ पहले जीरो कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई फर्क पड़ रहा, तो क्या रख दूँ यहाँ एन की वैल्यू वन टू एन माइनस वन आ जाएगा, एन क्यू माइनस वन को फर्क है भाई बोलो है क्यों, एन की वैल्यू अगर टू रखेंगे तो एन की वैल्यू अगर वन रखेंगे क्या आ जाएगा, तो जीरो तो जीरो तो जोड़ देंगे फर्क पड़ेगा, कोई चैन की वैल्यू वन से रेगुलर है, अच्छा अब इसमें सिग्मा को अलग अलग कर देंगे, ठीक भाई, इसकी एन क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्यूब ऑफ एन की वैल्यू कर दो, एन की वैल्यू वन है, वन से एन माइनस वन का ये है, ये देखो अगर मान लिया है ना वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अब तो कहाँ तक के मान लिया दस तक के, इसे लिख सकता हूँ मैं एन कहाँ तक के, एन इक्वल टू वन टू दस, इसमें जोड़ है एक से लेकर दस तक, ये है मतलब इसका, इसका मतलब एक से लेकर एन माइनस वन तक है, ये क्या है, ये क्या मतलब है इसका, एक का क्यूब प्लस, अरे फर्स्ट नेचुरल नंबर है क्यूब का क्या फॉर्मूला था मैंने बताया था, बता नहीं, फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्यूब का देखो बता रखा मैंने, सम का क्या होता है सिंगल का, यही नहीं होता उसका होता है ये, और ये है क्यूब का, क्यूब का क्या होता है इसका स्क्वायर था, तो एन की जगह क्या है लेकिन यहाँ एन माइनस वन, एन तक नहीं जा रहा ये तो एन तक जा रहा है, इसमें कहाँ तक जाएगा ये, तो क्या जाएगा एन माइनस वन प्लस वन की पावर स्क्वायर, इस वन से क्या आ गए एन स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन, ठीक ये क्या आ गया एन का स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एन, अब वन टू एक की एक टू एन माइनस वन तक तो क्या आ जाएगा एन माइनस एक कहां तक क्या है ये वन प्लस वन वन तो कितना आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये एन माइनस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये दोनों में क्या कॉमन ले लूं मैं एन माइनस वन को मैं ले लूं तो क्या बच जाएगा एन माइनस वन को मैं ले क्या बच जाएगा एन अपॉन एन स्क्वायर फोर माइनस के एन माइनस वन भी आएगा, ठीक भाई एन माइनस वन बाहर है क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस फोर अपॉन आगे बात सुनो
Thoughts on? ये बता रहा कि ओमेगा इज द इमेजिनरी रूट ही, तो मेरे को पता नहीं वन प्लस आई फोन रूट वही तो होता है ओमेगा, इमेजिनरी रूट ही तो कहलाए थे, पढ़ा था अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, यही तो पढ़ाते हैं। थोड़ी जल्दी आ सकते हो आप? फायदा नहीं हमारे आने का, पहले ही अपन थोड़ा ये रूम देखने को है। देख लिया क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये वाला, मान लिया ए एच एंड सी ये सारे कैम है, एच पी में कैम है, आर इन एच पी, देन क्या जाएगा, वन अपॉन ए वन अपॉन एच एंड वन अपॉन सी आर इन ए पी में होता है, तो क्या था टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, क्या था बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, क्या वन अपॉन एच, शाबाश, तो टू अपॉन एच आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, टू अपॉन एच इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, ए सी दोनों होते कॉमन, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू आई अपॉन एच, एच को एल्टा कर दिया, एच अपॉन टू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और एच इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन, अगर दो नंबरों का ये तो आ गया था भाई, ठीक, कल ही बताया था मैंने शायद, ठीक। अब मैं कह रहा लिखो इंसर्ट, पहले तो ये पहले लिखो इंसर्ट एच हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, क्या कह रहा भैया, बिटवीन ए एंड बी क्या कह रहे, देखो भाई दो नंबर है ये, एक तो ए है और एक, इनके बीच कितने करने हैं हार्मोनिक मीन्स रखने हैं, कितने हार्मोनिक रखने हैं, एन रखने हैं भैया, ये कहने होंगे आर इन एच की दिक्कत नहीं आई, अगर ये सारे एच पी में हैं तो क्या जाएगा, वन अपॉन ए एच वन वन अपॉन आर इन
ए पी होंगे, ठीक। यहाँ तक के इसके कितने टर्म्स होंगे भाई, इससे इस यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे इसमें, एन प्लस टू, जब ये एन ये रहे एक ये से दो कितने हो जाएंगे, यानी टी एन प्लस टू की टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन बी आ गई। क्या में है ये, ए पी में है, ए पी में है तो एन वे टर्म की फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन प्लस टू माइनस वन। डी की वैल्यू मान लो पता नहीं है मुझे, वन अपॉन बी, ठीक। यार क्या रहेगा, वन अपॉन ए प्लस एन प्लस वन डी इक्वल टू वन अपॉन बी, एन प्लस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस के वन अपॉन एन इक्वल टू क्या आ गया ये, क्या आ गया बी इक्वल टू क्या आ गया बोलो, इसे इसे सोल्व कर लूंगा मैं, ए बी करके क्या आएगा, ए माइनस बी, क्या आ गया बोल लो, जी इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी ये आ गया। चलो चलो देखो बता रही थी, तो डी की वैल्यू एक ही रख लूंगा भाई मैं, और उसमें ए पी में क्या थी वैल्यू, बी माइनस ए पॉन एन प्लस वन नहीं थी, ये डिडक्ट लेना से काम इस्तेमाल करूँगा मैं शुरू में। देखो भाई अब क्या आ गया मुझे, एच वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, वन अपॉन एच वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये ए प्लस टी में नहीं आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस इसकी वैल्यू वन अपॉन एच वन की, ए प्लस डी यानी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी नहीं होता जब ए पी में है, तो वन अपॉन एच वन कितना जाएगा भाई, ए प्लस ए प्लस ये वैल्यू लिख लूंगा, और अगर एच वन की वैल्यू निकालनी हो सीधी तो वन अपॉन ए प्लस डी यानी कर ले, एक ही बात है। एच टू की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन एच टू की वैल्यू ए प्लस, इस तरह सारे सारे निकाल लूंगा मैं वैल्यू रख रख के, अगर मुझे अगर जरूरत पड़े कि सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, वन अपॉन ए है ये, कौन सी करती है मैंने, वन अपॉन ए है ना ये वैल्यू, हमें ध्यान दिया मैं तुम्हारी बात सुनने वाले हैं।
ठीक है बेटे, चलो आगे मैं टोल टोल दूँ। इसमें वैल्यू हम दिया रखते हैं, चले जाओगे टी की वैल्यू है। देखो ये क्वेश्चन लिखो अभी, एन अरिथमेटिक मीन इफ नाइन अरिथमेटिक मीन एंड नाइन हार्मोनिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन टू एंड थ्री, अल्टरनेटली then prove that a plus 6hi a plus 6 upon h is equal to 5, then prove that a plus 6 upon h is equal to 5। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा भाई, वही देखो क्या है, क्या है बोलो क्या है, और 9hp किसके है, टू और थ्री के बीच, टू और थ्री के बीच, नाइन तो कितने हैं, एपी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ए नाइन। अल्टरनेट का मतलब एक आ गया एक ना, इसे तो अल्टरनेट कहें या दोनों के इकट्ठे कहें, अल्टरनेट का लिए कहें या तो ये या यो। अब इसका अल्टरनेट क्या है भाई तेरे पास, अगर तू मान लो तू रोक डॉक करनी बनना, क्या अल्टरनेट है तेरे पास, कहते नहीं गाँव में भी, अब तू बयानी करना तो और क्या अल्टरनेट है हमारे घर में, अच्छा या तू कमाने नहीं, एक तो ये है, एक क्या है इसके अंदर क्या रखिए, ये रखे, अगर ये रखे इनका डी क्या होता है फॉर्मूले इनका एच पी का डी फॉर्मूले क्या होता है अभी बताया था, डी इक्वल टू क्या होता है बोल लो, डी इक्वल टू बोल लो क्या है, ये बोलो क्या होता है डी का फॉर्मूला, अपॉन ए माइनस बी एन प्लस वन ए बी। देखो भाई ए की वैल्यू कितनी है टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू थ्री है, एन एन की वैल्यू कितनी है इसमें, कितने एन है, नाइन है, बोलो कितने है इसमें, सीरीज में वैल्यू दस नहीं है, ग्यारह नहीं है, एन तो इलेवन है, इलेवन प्लस वन ए बी की वैल्यू कितना आ गया माइनस वन अपॉन क्या आएगा, क्या आएगा ट्वेल्व इंटू सिक्स सेवेंटी है भाई। अब साथ में ये एक और बात कह रहा कि एच की वैल्यू क्या आती है, एच की वैल्यू एच आई की वैल्यू होती है ए प्लस आई डी, ये आई क्या है मान लिया वन है तो ए प्लस वन डी, एच टू है तो एच वैल्यू टू है तो ए प्लस टू डी, एच थ्री है तो ए प्लस थ्री डी, बोलो आ नहीं जाएगा, एच वन अच्छा ए की वैल्यू कितनी है इसमें है क्या है, लेकिन ये सीरीज कहम है इस टाइम एच पी में, फॉर्मूला कहम होता है ये ए पी में, ए पी में ए कितना जाएगा इसका, ये लिखो अभी करके लिखेंगे आर इन एच पी, ये कहेंगे वन पॉइंट टू
आपके हम होंगे आर इन ए पी, तो क्या जाएगा ए प्लस आई डी, ए की वैल्यू कितनी है टू आई, आई की तो आई है मतलब पहले तो डी की वैल्यू कितनी है आ गई, क्या की वैल्यू आ गई है एच आई, एच आई। अच्छा यहां से डी कितना होगा इस सीरीज का, एपी का, एपी का डी कितना होगा बताया था मैंने, हाँ यही नहीं होता, इसमें वैल्यू रखी क्या आ जाएगा रखो लिख के करो, थ्री अपॉन माइनस टू अपॉन है भाई, ये तो आ जाएगा। अच्छा ये एन क्या है, एन 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 के क्या थे, ये एन कहाँ थे भाई, ये पूरे एपी में टर्म थे या उसके जो अर्थमेटिक मीन थे बीच के, एन क्या थे, क्या याद गया तुम्हारा, पूरे थे एन। अरे इसमें ये जो जब मैं डी निकालता हूँ ऐसी सीरीज थी ये बीच में जो इंसर्ट करे थे मैंने अर्थमेटिक मीन या हारमोनिक मीन, एन ये बीच वाले थे या सारे टोटल एन थे हैं? अभी देखो अभी क्या बता रहा मैंने, तो बीस के, ये बीस के कितने टर्म्स हैं, ये एन का कितना है, अब कह दो मैं तो बताया था, बताया था तुमने नहीं, ठीक जिससे मैं कह दूँ वही था यार, मैं चली भी गई है यहाँ, हाँ तो मैं तो गहरा बोल रहा था, मैंने गहरा था तुमने, एन कितना है पता नहीं, नहीं ध्यान है तो अपनी बात ही लेके रखती हो, ठीक। और इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, ए का ए प्लस आई डी, यही तो होता है भाई, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आई का मतलब जोन सा ही पूछ रहा, यहाँ भी ए आ जाएगा, प्रथम पूछ रहा तो ए प्लस वन डी, ए टू पूछ रहा तो ए प्लस तीन पूछ रहा तो ए प्लस ए आई डी का मतलब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोल दो, ए की वैल्यू कितनी है इसमें टू प्लस आई डी की वैल्यू कितनी है आई अपॉन टेन, यहाँ क्या आ जाएगा आई अपॉन डी, क्या आ जाएगा वन अपॉन, यहाँ तो बात नहीं होगी, पूछ क्या आ रहा सवाल में वो, और देखो ये माइनस का साठ आएगा भाई, क्या आएगा ये देखो रटने वाली बात सुनी हुई हो, क्या पूछ रहा हूँ, ए प्लस सिक्स अपॉन एच इज इक्वल टू फाइव, ए की वैल्यू कितनी है टू प्लस आयोटा टेन है बाबू जी, ठीक सिक्स क्या जाएगा इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू है ये उसका है ना बेटे, उसका है ना ये आई वाला नंबर है, क्या नाम वाले का कम्प्लेक्स नंबर होता है फिर बोल रहा, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर होता तो आई होता, होता नहीं आई आई कह देंगे, आई कह देंगे, अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या हो आई, नहीं तो आई होता, कुछ भी होता है आई नंबर है। अच्छा ए प्लस क्या है, ए प्लस आई डी टू प्लस आई अपॉन टेन प्लस सिक्स वन अपॉन एच आई, ये कितनी वैल्यू होगी, ये भी वन अपॉन एच आई की वैल्यू होगी, वन अपॉन एच आई की वैल्यू नहीं होगी तो कितनी वैल्यू जाएगी ये वन बाई टू माइनस आई आई अपॉन सिक्स सिक्सटी, ये नहीं रख दीजिए, तो
बेटे इसकी वैल्यू निकाल दी ना मैंने यहाँ से, इसकी एच की तो ये निकाल दी है। ये फॉर्मूला थोड़ा ही हुई ना एच पी का, ए पी का फॉर्मूला हो ना, आई नहीं बात नहीं ठीक है। जो गलती लिख रखा था मैंने कौन एच आई की तो वाली एच आई की आएगी, एच आई की क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं पता ना मुझे डायरेक्ट। अच्छा ये क्या आ गया भाई यहाँ करके, टू प्लस आई अपॉन टेन माइनस सिक्स बाई टू प्लस माइनस के आई अपॉन टेन आ जाएगा। सिक्स से बाई टू क्या आ गया, क्या आ गया थ्री सिक्स बाई टू, सिक्स से सिक्स को वन बाई टेन आ जाएगा। इन भाई साहब से ये उसकी दावत कर देंगे, ये कितना है, ये कितना है बस। अब क्या पूछा हो देखिए, बढ़िया सवाल नहीं था। देखो क्या है सवाल, हट के बताऊँ, देखो क्या है कि इफ देयर आर टू नंबर टू एंड थ्री इंसर्टेड नाइन नंबर ऑफ नाइन हार्मोनिक मीन एंड नाइन अर्थमेटिक मीन रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट ए प्लस सिक्स अपॉन एच इक्वल टू फाइव, ए प्लस सिक्स अपॉन एच इक्वल टू फाइव। ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है टू। देखो ये तो अर्थमेटिक मीन में ये कर दिए, हार्मोनिक मीन में ये कर दिए, तो फॉर्मूला को था इसको बलट के अर्थमेटिक मीन में कर दिया। इससे क्या निकाल लिया मैंने, हार्मोनिक मीन का डी का फॉर्मूला ही होता है डी माइनस ए अपॉन बी अपॉन एन प्लस वन, डायरेक्ट लिख दिया दिक्कत तो नहीं है। इसके अर्थमेटिक मीन का डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, डी की वैल्यू निकाल ली। इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है, वन अपॉन एच आई इक्वल टू ए प्लस आई डी, मान लिया वन करो ले रहे तो ए प्लस वन डी, टू निकाल ले तो ए प्लस टू डी, ए आई का मान लिया निकाल ले ए प्लस, तो ए प्लस वन डी, ए और डी के दोनों क्या लिखूंगा वैल्यू रख दूंगा। फिर जो वैल्यू निकलवा रहा है, किसकी वैल्यू निकलवा रहा है भाई, वो ए ए प्लस सिक्स अपॉन एच, इनकी वैल्यू रख दूंगा मैं इसका आंसर। बैठ के देखो बाकी क्वेश्चन है,
बिल्कुल लीव इफ ए बी सी डी और ई एच इफ क्या कहा भाई इफ इफ ए बी सी डी आर इन एच पी इफ ए बी सी डी आर इन एच पी ये हार्मोनिक मीन में है ए बी सी डी भाई दिक्कत तो नहीं आई इसमें है ये हार्मोनिक मीन में है तो क्या करना है इसका देन थ्रू दैट ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू माइनस बी माइनस टू अपॉन बी माइनस टू माइनस सी माइनस टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस टू माइनस सी माइनस टू यहां से बात नहीं आ गई देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है सवाल ये देखो ये ए बी सी डी आर इन एच पी में है तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको वही वाला तरीका मेरे को ए पी में लिख सकता हूँ इसको क्या है वन अपॉन ए वन अपॉन सी वन अपॉन डी क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी वन अपॉन डी आर इन ये पी में आ गए भाई साहब दिक्कत तो नहीं है अच्छा अब इसमें वन अपॉन ए क्या है इसमें फर्स्ट टर्म है मान लिया फर्स्ट टर्म ही है वन अपॉन बी का मतलब क्या है इसमें सेकंड टर्म नहीं है तो वन अपॉन बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस टू डी सी की वैल्यू कितनी है वन अपॉन थ्री डी और वन अपॉन डी की वैल्यू बात नहीं होगी इसकी वैल्यू देखो ये डी है ये भी डी है दोनों एक जैसे पलट जाएंगे बड़ा डी मान लिया झंझट ही खत्म हो जाएगा नहीं ए थे उलझ जाएगी बात ए तो पहले दे रखी ना सीरीज में कौन सा है कौन सा डी कभी उलझ जाओ यहाँ भी डी आ रहा है यहाँ कोई फर्क तो नहीं पड़ा रटने वाली बात तो नहीं क्योंकि एक घर में दो नाम थोड़ी है सोनू अगर दो बच्चे घर में पैदा हुए और दोनों का नाम क्या रख दिए मैंने वो सोन बेटे को पानी पिलाई है वो है देख रहा हूँ उसको जिसको क्लास में टीचर कहता है वो बेटे तरह काम कर दियो जरा वो कर दियो कोई भी नहीं उठता उसने ये उठेगा ये उठेगा है जिससे दूध वाली है वो दूध डाल देंगे अपने गाड़ डाल दे रहा पानी तो ठीक ही तरह से तो इसके नाम बदल दिए भाई इसका बी माइनस वन कितना जाएगा भाई ठीक इधर पढ़ लिया अच्छा आदत नहीं है ना वही आदत है ठीक बी माइनस वन यहाँ आ जाएगा अच्छा ये मुझे क्या यहाँ बी माइनस टू के चाहिए तो बी माइनस टू कितना जाएगा ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर ए माइनस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए माइनस थ्री डी की इसने बी माइनस सी माइनस टू का कहेगा ए प्लस थ्री डी का ये कितना आ जाएगा क्या जाएगा डी डी टू का स्क्वायर क्या जाएगा ए ए प्लस फोर डी का ठीक अब मैं इनमें सबकी वैल्यू रख दूं ए स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर क्या है माइनस डी की वैल्यू कितनी है डी माइनस टू की ए प्लस फोर डी का स्क्वायर आगे बी की वैल्यू कितनी है आप लोग नहीं आई खेलने ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर आगे ए प्लस थ्री डी का बात नहीं होगी
इन्हें खोले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर माइनस 2 6 8 2 16 एडी और तुम्हारा दिमाग बहुत बड़े चिल्ला भाई, और तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चिल्ला है ना, दिमाग बहुत बड़े रहती बात हुई बल्कि मेरा दिमाग फिर वो भी दिमाग और नीचे लाम दिमाग है जल्दी में, ए स्क्वायर प्लस के 4d का स्क्वायर प्लस 4ad आगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर माइनस 2 6 है बेटे, ये दावत कर देगा कि या कर नहीं सकता है, आ जाएगा इसके दावत से, ये किसकी खाद दावत खाएगा, ए स्क्वायर खाद दावत खाएगा, क्या बचेगा ऊपर 16d कॉमन ले लो उसमें से ले लो, कोई दिक्कत ना हो, क्या जाएगा 16d कॉमन ले गए माइनस 16d कॉमन ले क्या आ जाएगा बोलो, माइनस क्या जाएगा बोलो, d प्लस ए हैं 16d ले लो, अच्छा कॉमन 16d भी ले लो, चल यहाँ लिख लिया कोई दिक्कत तो नहीं, इधर लिख लिया नहीं, इधर क्या कॉमन ले लूँ दोनों में से, 4d और माइनस 9d कितना जगह माइनस 5d स्क्वायर इक्वल टू कितना जगह माइनस 5d कॉमन ले लूँ उसमें से, नहीं 4ad और माइनस कितना जगह माइनस 2ad d कॉमन ले गया है बच्चे, क्या जगह बोलो, d कॉमन ले क्या जगह, अब माइनस का लिया जाएगा इसमें, माइनस का डी को मिले क्या बचेगा 3d, क्या बचेगा 3 9d प्लस 2d 2a बोलो, 9d प्लस के डी से माइनस बी दावत कर देगा क्या आएगा माइनस 16d प्लस ए, उतारने से यहाँ पे देखते हैं क्या बने, थोड़ा सा और हल्के लेंगे उतारो जगह बनाओ, देखो अच्छी मैंने गलती कर दी, क्या गलती तुम, वो क्या है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए भी आएगा ना, क्या आएगा यहाँ 8 ए, दिक्कत कट रही है क्योंकि वो बात हुई, भले इसमें गलती माफ हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, देखो भाई इसे इस तरह ही कर लो तुम, अब मैं तुम्हें जाते हुए ये सवाल ठीक करना है नए तरीके कर लो, अपने तरीके से कर देना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, फिर दोनों कटेंगे ये दोनों इक्वल आएंगे, क्या आएंगे दोनों
ये कौन जाएगा, ये आंसर रहेगा इसका, ये 16 कहाँ रहेगा फिर इसका, हाँ एक कटेंगे, क्या कटेंगे इसका, इसका थ्री आंसर है, क्या आंसर है इसका, आंसर है इसका थ्री, अभी बैठ कर लीजिए, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ठीक है, फ्रेंडों को कोई दिक्कत तो नहीं, रटने वाली बात तो नहीं, आसान है ना मुश्किल है, हाँ चलो ये कटिंग ठीक है, ये क्या आठ ए जी कटिंग, इसका क्या आंसर आना है भाई, थ्री आंसर, इसे अभी बैठ कर लिए, मेरे को गलत हो गई थी, ठीक है भाई, ये भी टाइम देगा अभी तो है, अभी नहीं, लिखो एक सवाल और, इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ, सम ऑफ द क्या कहा मैंने, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ये रेसिप्रोकल देन ए अपॉन सी बी अपॉन सी अपॉन ए अपॉन सी B upon A, C upon B, R in HP, AP, GP, none. आई बात नहीं, क्या है सवाल, देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट हैं इसके कितने रूट होंगे ज्यादा, दो, मैक्सिमम पावर टू है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, यही तो, लेट अगर दो रूट होंगे, लेट टू रूट आर अल्फा एंड बीटा, दो रूट हैं मान लिया उसके, क्या है अल्फा और बीटा है, याद बात नहीं होगी, अगर इसके दो रूट अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना जगह इज इक्वल टू, क्या गिवन क्या है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल है बेटे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा का, आई बात नहीं, अल्फा का स्क्वायर कितना है भाई, अच्छा इसकी वैल्यू दोनों की एलसीएम ले लिया, आई बात नहीं, यानी कि वन अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्यों भाई दो अल्फा बीटा जोड़ दूंगा, दो अल्फा बीटा कोई दिक्कत नहीं है, फर्क पड़ा गई, तो क्या आ गया है, फिर ये क्या बन गया फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन बीटा का, क्या इक्वल है सारा, इसके इक्वल है भाई, लेकिन एक और दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट कितने दे रखे हैं, अल्फा बीटा
तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये नहीं था फॉर्मूला सम ऑफ रूट का, क्या है माइनस k भूल गए, अब कितने गलती कर दी, माइनस b अपॉन a, अल्फा बीटा में क्या की वैल्यू आ गई c अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू रखती कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर अपॉन माइनस 2 2c अपॉन a अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को फिर ऊपर से एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c अपॉन a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इस a स्क्वायर से क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन, ये क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर आ गया बेटे यहां देखो, ठीक है अच्छा, और ये क्या है भाई, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, नहीं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस b अपॉन a है, ये दोनों इक्वल नहीं होनी, तो क्या आ जाएगा बोलो, गिवन है क्या, गिवन है b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a है भाई, दोनों को क्या कर लूँ मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा a b का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c माइनस, भाई ये इधर आ गया क्या क्या 2ac स्क्वायर इक्वल टू माइनस bc स्क्वायर ab का स्क्वायर, माइनस क्या के मन ले लूँ सारे से डिवाइड कर दूंगा, और क्या डिवाइड कर दूँ सारे में ए बी सी से डिवाइड कर दूँ सारे में, माइनस ए बी सी से क्या जगह यहाँ से बोल लो माइनस टू ए सी स्क्वायर ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी सी, बोलो क्या बच जाएगा यहाँ से, क्या बच जाएगा माइनस हाँ टू सी बी, हाँ टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या जाएगा सी अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस, ये नहीं आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ये 2b = a + c नहीं आ गया, अगर 2b = a + c आ जाए तो इसका मतलब क्या है, कह मैं कौन सी सीरीज में है वो a की, अगर 2b = a + c आ जाए तो किस सीरीज में होते हैं ये a की में नहीं होते, ये देख 2b b नहीं आए, ये a नहीं है, तो यानी c / b c / a ए सी अपॉन ए सी अपॉन बी बी अपॉन सी कहम होंगे, ये तो पूछा था कि ये कहम होंगे बीच में, ये नहीं आ रही आई बात नहीं, यानी सेकंड टर्म इज इक्वल टू कहम होंगे तीनों ये आर इन ठीक है, अच्छा सवाल था करो,
देखो एक क्वेश्चन है, तोड़ लिया। If A B C is positive real number, if A B C are a positive real number, C नहीं बल्कि B कर लो, if A B A B is the positive real number, if A B is positive real number, है? A B के बीच तीन ये रखे हैं, क्या रखे हैं तीन? दो ये रखे, कौन कौन ये A B के बीच क्या रखे हैं ये क्या बोलते हैं इसके? Arithmetic mean, क्या मांगे ये? और इन क्या मांगे? A B, पहले सवाल समझ लो, फिर क्या है? A B के बीच फिर क्या रखे तो? जी टू, ये क्या कहलाएंगे इसके? ज्योमेट्रिक मीन, क्या होंगे ये? और इन फिर इसके बीच क्या रखे दो? और इन क्या क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? If A and B is the real number, A one, A B के बीच क्या है? ये दो A P में है, ये क्या है? G P में क्या है? Then prove that G one, G two, H1, H2 वाला लिख लीजिए equal to H1 plus H2, A1 plus A2, A1 plus A2 upon H1 plus H2 is equal to 2A plus B, A plus 2B upon AB, upon 9AB, upon ये प्रूव करना है, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, ठीक भाई? अच्छा, ये क्या है? A1 A2 के बीच में है, ये A1 A2 के बीच में है, तो इसके लिए D क्या, D क्या फॉर्मूला होता है? B माइनस A अपॉन AP, के लिए D क्या होगा? B माइनस A अपॉन N+1, ये नहीं होता। तो b माइनस a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू b है, a की वैल्यू a है, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? दो रखे के बीच में दो नहीं है, तो कितनी आएगी? 2+1 कितनी आएगी? क्या की वैल्यू निकाल लूंगा मैं a1 की, a1 कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई? a, d की वैल्यू कितनी आ गई? b माइनस a अपॉन 3, 3a क्या जाएगा? b माइनस b प्लस 2a अपॉन 3, ठीक? अब मैं a2 की वैल्यू निकाल लूं, a2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस कितनी आएगी यहां से? a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन 3, 3a क्या आएगा? 3a सीधा लिख दूं, a 2b अपॉन 3 आएगा, बोलो। अच्छा, इसी तरह यहां से क्या आ जाएगा? ये
यहाँ से इसका डी क्या आ जाएगा, इसका बताओ क्या होता है, डी फॉर्म में क्या होता है कि डी का बोलो क्या देता है, क्या होता है बोलो, a माइनस बी अपॉन एन एन की जगह क्या है टू प्लस वन थ्री और आगे ए। अच्छा ये तो होता है ठीक। और ये क्या की वैल्यू आ जाएगी इस वाले एच वन की, नहीं आनी वन ओपन एच वन की अभी एच वन की अभी वन ओपन एच वन तो निकाल लूंगा तुम्हें ए प्लस डी, ए प्लस डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन ओपन ए, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या जगह इसका एलसीएम क्या जगह थ्री बी प्लस ए माइनस बी क्या जगह बोलो क्या जगह टू बी प्लस ए बाई टू बी प्लस अपॉन थ्री ए बी ठीक। नहीं जी पी की क्या आपको जरूरत देना पड़े मुझे क्या आपको जरूरत मैंने ए बी रखा नहीं है ये जीवन रखा नहीं देखिए ए बी की वैल्यू जीवन रखी नहीं है दोनों दो का ज्योमेट्रिक में जीवन नहीं होता ये जरूरत क्या है तुम्हें होता नहीं ए और बी नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जीवन नहीं बोलते ए रूट नहीं होता। यहाँ पे एच टू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ठीक क्या जाएगा टू डी टू का मतलब टू ए माइनस टू बी अपॉन थ्री ए बी ये क्या जाएगा थ्री ए बी थ्री बी प्लस टू ए माइनस के टू बी थ्री बी से बी जाएगा क्या जाएगा टू ए प्लस बी टू ए प्लस बी अपॉन थ्री ए बी आई बात नहीं। इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं क्या कर दूं इनको सम कर दूं ये कहने आए हो ये भी तो आएगा ये तो क्या आएगा ए वन नहीं वन अपॉन एच वन प्लस वन अपॉन एच टू कितना जाएगा ये दोनों क्या आएगा थ्री ए प्लस थ्री बी बोलो इन दोनों का कॉमन क्या जाएगा थ्री ए प्लस बी कॉमन लेंगे नीचे थ्री ए बी थ्री से थ्री जाएगा क्या जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी इनका दोनों का एलसीएम लिया क्या जाएगा इधर से एच वन एच टू अपॉन एच वन प्लस एच टू ठीक ये रखा एच वन प्लस एच टू अब ए वन प्लस ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए ए वन प्लस ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या आ जाएगी ए पॉन बी आ जाएगी देखो बी प्लस टू ए पॉन थ्री ए प्लस टू बी ए पॉन थ्री थ्री ए प्लस थ्री बी है क्या आ जाएगी ए प्लस बी ए वन ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो ए वन प्लस ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो ए प्लस बी नहीं आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी क्या है बराबर है ए वन प्लस ए टू और ए बी की वैल्यू क्या है इक्वल हो देख सीधे थ्री कट जाएगा यहाँ आएगा है तो ए बी की वैल्यू क्या है इक्वल हो भाई ए बी हाँ जी बोले जी जब होती है क्या होती है जी इक्वल टू क्या होता है रूट ए बी और जी स्क्वायर की वैल्यू जी वन जी टू नहीं आई नहीं बात नहीं तो फिर यही आ गया ये आंसर नहीं आ गया देखिए यही नहीं आप
एच वन एच टू इक्वल टू ए प्लस ए टू वो जी वन जी टू है। आई बात नहीं भाई, देखो भाई इसका एक तरीका हो रहा है करने का, ए वन प्लस ए टू इक्वल टू ए प्लस बी भी कर सकूँ, सम ऑफ जो है का डिफरेंस यानी बाद वाली की इसके वाली दोनों बीच का होनी, ए वन प्लस ए टू की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस बी, यहाँ भी देखिए ए वन प्लस ए टू ए प्लस बी आ गई डायरेक्ट, वन पोन एच वन प्लस एच टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वन पोन बी प्लस वन पोन ए आएगी, वन पोन बी वन प्लस ए रखी देख, वन पोन बी वन प्लस ए नहीं आएगी, अच्छा यहाँ डायरेक्ट वन लग गया। और फिर इसमें क्या करता हूँ मैं, ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी है ए प्लस डी, ए प्लस डी ए री, ए वन की वैल्यू कितनी है ए टू की वैल्यू ए री, यहाँ तो ए वन की वैल्यू रखूंगा यहाँ, फिर एच वन और एच टू की वैल्यू रखूंगा यहाँ, तो उन्हें क्या क्यों बोला जाएगी ये आ गई, ये थे पूर्व आगे करके देखो रख देगी, चलो करो थ्री ए बी अपॉन टू बी प्लस ये आ जाएंगी, और एच टू की वैल्यू 2a प्लस बी, जब खुद की वैल्यू करो वहाँ से करो, इधर करके जाइए बैठते हैं, अरे भाई ठंडा है।